हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। आज हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर पार्ट 8, जिसके पार्ट का टॉपिक है, शीर्षक है लिंग। हमारे पार्ट का नाम क्या है आज का? लिंग। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिंग को समझते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है या लिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के रूप से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द, यानी वो शब्द जिससे पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो कोई भी पूछ ले तो नॉर्मल से डेफिनेशन ये आनी चाहिए कि जिस शब्द से शब्द के स्त्री जाति के या पुरुष जाति के होने का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। या फिर जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देती हूँ कि हम लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिए है, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। तो 1 के अंदर मैंने 4 नाम लिखे हैं, अध्यापक, राजा, मुर्गा और कवि। कौन कौन से नेम लिखे हैं? अध्यापक, राजा, मुर्गा, कवि। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे। इन चारों शब्दों का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो अध्यापक का बन जाएगा अध्यापिका। क्या बन जाएगा अध्यापक का? अध्यापिका। अब जैसे राजा है तो राजा का बन जाएगा रानी। राजा का क्या बनेगा? रानी। अब मुर्गा, तो मुर्गा का बनेगा मुर्गी। तो कवि का बनेगा कवित्री। क्या बनेगा? कवित्री। तो अब यहाँ पर मैंने 4 नाम तो लिखे थे और 4 नाम मैंने अब लिखे। अब इन 8 नामों में हमें ये जानना है कि इस नाम में और इस नाम में किस चीज का फर्क आ रहा है। तो अध्यापक, अध्यापक जैसे टीचर, तो टीचर कौन है? मेल है। कौन है? पुरुष है। और अध्यापिका यानी मैडम, तो ये कौन है? फीमेल यानी स्त्री है। तो यहाँ पर हमें पुरुष जाति का बोध हुआ और यहाँ पर हमें स्त्री जाति का बोध हुआ, इसलिए ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। हमें इन शब्दों के रूप से पता चला कि ये कौन सा लिंग है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है राजा, तो राजा एक आदमी होता है। रानी, तो रानी एक औरत होती है। तो ये पुरुष जाति के अंदर आता है, ये स्त्री जाति के अंदर आता है, इसलिए इसका इसके शब्द के रूप से हमें लिंग का पता चला। फिर जैसे मुर्गा, तो मुर्गा मेल जेंडर होता है और मुर्गी फीमेल जेंडर होता है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो इसके शब्द के रूप से हमें लिंग का पता चला। कवि, कवि एक आदमी होता है और कवयित्री जो औरत कविता लिखती है, लेखिका होती है, उसे हम कवयित्री कहते हैं। लेखक और लेखिका भी कह सकते हैं, कवि और कवयित्री भी कह सकते हैं। तो इन शब्दों के रूप से हमें पता चला कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो शब्दों के रूप से हमें लिंग का पता चला। अब सेकेंड बात आती है कि लिंग के प्रकार। सेकेंड टॉपिक है लिंग के प्रकार। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कौन से दो प्रकार होते हैं लिंग के? कोई अगर पूछ ले कि लिंग किसे कहते हैं या लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो जिस शब्द के रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आओ हम लोग कुछ और इसका इसके वर्ड देखते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब लोग हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को बदलेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ शब्द दिए हैं जो पुल्लिंग दिए हुए हैं। पुल्लिंग शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अब इनको बदलना है स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मेल जेंडर से फीमेल जेंडर बनाना है, तो चाचा का बन जाएगा चाची। फिर पुरुष का बन जाएगा स्त्री। फिर चूहा का बन जाएगा चूहिया।
बोरनी, अब जैसे दिया हुआ है ऊट, तो ऊट का बनेगा ऊटनी, फिर बैल का हो जाएगा गाय, काका का काकी, लेखक है तो लेखक और लेखिका, जो आदमी लेखक होता है कहानी लिखता है उसे लेखक कहते हैं और जो औरत कहानी लिखती है उसे लेखिका कहते हैं। फिर गायक यानी सिंगर, तो जो जो मेल गायक होता है उसे, जो मेल होता है उसे गायक कहते हैं और जो फीमेल होता है उसे गायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गायिका। अब जैसे यहाँ पर जैसे छात्र, तो छात्रा, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, शेर शेरनी, बंदर बंदरिया, नॉट बंदरी बंदरिया, क्या लिखोगे? बंदरिया। देव देवी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, वर वधु, जिसे दूल्हा दुल्हन बोलते हो उन्हें वर वधु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द लिखे थे, उन लोगों उन शब्दों को बदला हमने स्त्रीलिंग में। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जस्ट उसका फीमेल जेंडर यानी उसका स्त्री रूप सामने आता है। जैसे पुरुष शब्द लिखा हुआ होता है तो उसका स्त्री रूप सामने आता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में लिंग पढ़ा, लिंग की परिभाषा पढ़ी, लिंग को कैसे समझते हैं वो चीज समझी, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के शब्दों को हम लोगों ने स्त्रीलिंग में बदला। अब तो पहले हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला था, अब हम बदलेंगे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। तो यहाँ पर लिखा मैंने शेरनी, तो शेरनी का बन जाएगा शेर, गाय का बन जाएगा बैल, मोरनी का बन जाएगा मोर, सुता का बन जाएगा सुत। ये सुत और सुता पहले जमाने में जब रामायण महाभारत वगैरह चलती थी ना, तो वहां पर बेटे को सुत बोलते थे, तो ये उस टाइम का शब्द है। जैसे देवी, तो देवी का बन जाएगा देव। तो चाहे पहले स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलो या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलो, हम लोगों को अगर स्त्री जाति दी हुई है तो उसको पुरुष जाति में बदलना है और पुरुष जाति दी हुई है तो उसको स्त्री जाति में बदलना है। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, इसको आप अच्छे से याद करना और कॉपी में भी नोट कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू।